ग्राम सभा परसा ब्लॉक भरावन तहसील संडीला जिला हरदोई ग्राम परसा में काफी नालियों में पानी भरा हुआ है। संक्रमक रोग फैल रहे हैं, काफी नालियों पर घास खड़ी हुई है, सफाई कर्मी और प्रधान ध्यान नहीं दे रहे हैं, काफी लोग बुखार से पीड़ित हैं, स्वास्थ्य विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा, बूढ़े और बच्चे सब बुखार से परेशान हैं, कोई अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा। गांव के परशुराम, रामभजन, राम प्रसाद, सुंदर, राजकुमार आदि लोग मौजूद रहे। आज चेतना न्यूज के लिए संवाददाता शफीक अहमद की रिपोर्ट। किस गांव में रहते हो? इसी परसा। परसा गांव में क्या दिक्कत है? नंबर 3202। क्या दिक्कत है आपको? हमका दिक्कत यह है कि यह पानी का निकास हो जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं। और हम तो 3 दिन के पाहुन हन, दिक्कत पीछे वाले ने कहा निकलना मुश्किल है। लगभग कितने लोगों का पानी इस नाली से निकलता है? कम से कम 40-50 आदमी की निकलता है। सुना है गांव आए हुए पानी भरने की वजह से गंदा पानी है, काफी लोग बुखार से पीड़ित हैं, काफी लोग बीमार हैं बुखार से। क्या करें, कहते लड़ाई करें, हमारे पास न कोई फौज है न पाता है, कहीं का मकान गिरा दे, कहीं का द्वार खोल दे। अब हमारे हाथ किस तरीके से भरा हुआ है कचरा, गंदा पानी, काफी इसमें बीमारियां, संक्रामक रोग फैलने की आशंका। इस गांव में काफी लोग हैं परेशान बीमारी से। इस तरीके से भरा हुआ है ग्राम सभा परसा मोहद्दीनपुर ब्लॉक भरावन तहसील संडीला जिला हरदोई का यह है हाल। परसा गांव आप देख रहे हैं किस तरीके से नाली में गंदा पानी भरा हुआ है, इससे बीमारी फैलने की आशंका। काफी छोटे छोटे बच्चे बुखार से हैं पीड़ित।